बच्चों, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक में रसखान जी के सवैयों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी वो श्री कृष्ण से इतना स्नेह रखते थे, इतनी श्री कृष्ण पर उनकी भक्ति थी कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु से बहुत ही ज़्यादा लगाव उनको था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए, यानी वो अपने जो भक्ति के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उनकी जो भक्ति में उनकी तन्मयता है, भाव विह्वलता है, भाव विभोर होकर जो भक्ति करते हैं, उतने ही उनके जो भाषा में जो मार्मिकता है, शब्दों का जितना सटीक चयन वो करते हैं और जो उनकी शैली से, लेखन शैली से जो व्यंजना अभिव्यक्त होती है वो भी बहुत अप्रतिम है। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, मतलब बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कही गई है। बिल्कुल सटीक वर्णन है, सरस वर्णन है, बिल्कुल जो मन को अच्छा लगता है, मनोरम वर्णन है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो देखिए, पहले और जो दूसरे सवैया है उसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसमें देखिए, पहला जो पद है हम पढ़ेंगे। पहले पद को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, इसके शब्दार्थ देखिए। मानुष हो तो वही रसखान, मानुष यानी मनुष्य, बसों ग्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसों मतलब बसता हूँ, बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। ग्वारन, ग्वारन का अर्थ होता है ग्वाल बाल। कहाँ वश मतलब वश में न होना, चरो मतलब चरना जो गायें चरती है, नित मतलब हमेशा सदैव, ठीक है। उसके बाद है धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय गौ। मंझारण यानी बीच में, पाहन है ना, पाहन हो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत, छत्रु यानी होता है छाता, पुरंदर होता है इंद्र, धारण यानी धारण किया, खग यानी पक्षी, ठीक है। बसेरो करना मतलब निवास करना, कालिंदी यानी यमुना, कुल होता है किनारा, कदम्ब एक वृक्ष होता है और डारन होती है शाखाएं डालें। तो ये आपके जो ये पहला पद है इसके शब्दार्थ हो गए। इन शब्दार्थ को आप लिख लें, सभी अच्छे से इन शब्दार्थ को लिख करके याद कर लें, इनसे एक वाक्य बना बना करके आप इन्हें अच्छे से याद करें, ठीक है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारण। अब इसमें रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति इतना अनुराग है, इतनी भक्ति है उनकी, तो वो इतने अनुरक्त हैं कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु से अत्यंत स्नेह रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है और अगला जन्म मुझे मानुष यानी मनुष्य के रूप में मिलता है, तो रसखान कहते हैं कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं गोकुल गांव का ग्वाला बन करके गोकुल में बसना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत अत्यंत ही उत्कट अभिलाषा है कि मैं गोकुल गांव में ही निवास करना चाहता हूँ, वहीं रहना चाहता हूँ। तो अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य रूप में मिले तो मुझे ईश्वर वहाँ का ग्वाला ही बनाना। दूसरी पंक्ति देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वो कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु रूप में जन्म लूँ अगर,
अगर मनुष्य रूप में न जन्म लेकर के पशु रूप में जन्मता हूँ तो मेरा अगर वश चले तो नित मतलब प्रतिदिन में नंद बाबा की जो गायें ब्रजभूमि में चरने जाती है उनके मध्य में जा करके चरने वाली गाय बनना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूँ। गाय बनकर ही सही श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूँ, श्री कृष्ण का नहीं तो वो जिस परम धरा पर श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी उस धरा के स्पर्श से अपने आप को गौरवान्वित करना चाहता हूँ। ऐसी उनकी इच्छा है कि उस भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण के चरण कभी पड़े थे उस भूमि पर जाकर के रसखान बसना चाहते हैं, चाहे उनको पशु जन्म मिले चाहे मनुष्य जन्म मिले। पशु जन्म मिले तो गाय बनकर के नंद बाबा की गायों के मध्य में चढ़ना चाहते हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण के सदैव समीप रहने का सौभाग्य मिले। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे मनुष्य भी नहीं बनाते हो पशु भी नहीं बनाते हो आप मुझे पाहन बना देते हो, पाहन यानी हो गया पत्थर, अगर आप पत्थर बनाते हो अगले जन्म में तो मैं उस गिरी का उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो भगवान ने जो हरि छत्र में नहीं श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में छाते की तरह एक पुरंदर यानी इंद्र के कोप से ब्रजभूमि को बचाने के लिए धारण किया था। आप लोगों को वो कथा याद होगी जब इंद्र ने कोप करके लगातार कई दिनों तक ब्रजभूमि पर बारिश की थी और उस बारिश के कारण जब ब्रज डूबने लगा तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उसके अंदर पूरे गोवर्धन वासियों का को उसके अंदर सुरक्षित बचाया और इंद्र के कोप से सुरक्षित बचाया। ये जो कथा है उसी के बारे में यह वर्णन है कि मैं उस गिरी का उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पर धारण किया था, वो यानी श्री कृष्ण का सानिध्य उस रूप में पाना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरों करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारण। और अगर मैं पक्षी बनता हूँ, खग यानी पक्षी, अगर मुझे पक्षी बनाते हैं अगले जन्म में तो मैं बसेरा करना चाहता हूँ यानी रहना चाहता हूँ कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी नदी के कूल पर, कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डाल पर बैठकर रहने वाला पक्षी मैं बनना चाहता हूँ अगर मुझे ईश्वर पक्षी बनाता है तो ये देखिए कि इतना उनका अनुराग है, इतना उनका भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है कि वो किसी भी रूप में श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं। एक बार और देख लीजिए कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं, यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना नदी के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों पर जो इस पर आधारित हैं। बच्चों जो प्रश्न आपके सामने हैं, पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसमें आसानी से कवि और कविता का नाम बता सकते हैं। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है, अभी मैंने समझाया था मनुष्य रूप में जन्म लेने पर जो पहली पंक्ति आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य रूप में जन्म लेने पर मानुष हो तो वही रसखाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, आप इसका उत्तर उस पंक्ति को समझ कर लिख सकते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर कवि ने विवश होने की बात क्यों कही है, क्योंकि पशु के रूप में जन्म लेने पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है, वो उसके वश में नहीं है कि वो किस रूप में जन्म लेगा। ठीक है, कि कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है आप इसमें पढ़िए, तीसरी पंक्ति में आपको आराम से इसका उत्तर मिलेगा। काव्यांश के अनुसार काव्यांश से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए, तो अनुप्रास अलंकार आप इसमें अलंकार आपने कक्षा नवमी में पढ़े हैं, सात आठवीं में भी कुछ अलंकार आए थे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार सबसे सामान्य सा अलंकार, सबसे साधारण सबसे आसान अलंकार होता है, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अंतिम पंक्ति देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, इसमें क वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। आप इसी तरह से और भी पंक्तियां देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब दूसरा पद्यांश देखिए, या लकुटी अरुकामरिया पर राजतिहपुर को तज डारो, या मतलब इस लकुटी मतलब लाठी, कामरिया जो होता है छोटा कंबल, तिहु यानी तीनों लोक,
पुर्यनी नगर या लोक जो बोलते हैं ना, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, नौ निधि, नौ निधियां, विसारो यानी भूलना, कबों जब से, सो से, तड़ाग यानी तालाब, निहारों यानी देखूंगा, कोटिक मित्र करोड़ों, इसके बाद कलधोत यानी सोना, धाम, भवन, करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, कुंजन लताओं का जो घर होता है, पूरी लताएं लताएं से बना हुआ जो घर होता है उसको बोलते हैं कुंजन, वारों न्योछावर करूंगा, ये इसके शब्दार्थ हो गए दूसरे पद के। अब इसके पश्चात हम दूसरे पद के भावार्थ पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा पद्यांश, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुं पुर को तजिडारो। रसखान जी कहते हैं कि मुझे अगर श्री कृष्ण का सानिध्य मुझे इतना प्रिय है, कृष्ण के सानिध्य पाने के लिए मैं इतना लालायित हूँ कि मुझे अगर या लकुटी अरु कामरिया, ये लकड़ी और कंबल मिल जाए, जो कंबल छोटा सा कंबल और लकड़ी जो भगवान कृष्ण बालपन में लेकर के और गैया चराने जाते थे मधुवन, तो अगर मुझे ये लकड़ी और कामरिया मिल जाए या ये कंबल और लकड़ी मिल जाए जो श्री कृष्ण लेकर जाते थे, तो उसके लिए मैं तिहुंपुर यानी तीनों लोकों का राज्य तजी डारो, मतलब छोड़ सकता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं उसके लिए मुझे तीनों लोगों का राज्य की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य के बदले में अगर मुझे श्री कृष्ण के कंबल और लकड़ी मिलती है तो मैं उसके लिए तीनों लोगों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीनों लोग जो है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक जो माने जाते हैं, उनका राज्य भी अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए। दूसरी पंक्ति है, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। मुझे आठों सिद्धियां और नौ निधियां अगर मिल जाती है, लेकिन उनके बदले में अगर नंद की गाय चराने के लिए मिले तो मैं उनको छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि और नौ निधि बहुत विशिष्ट प्रकार की सिद्धियां और निधियां ये होती है, जिसमें सभी प्रकार का सोना चांदी, ठीक है, संपत्ति और इसके साथ साथ जो अणिमा लघिमा महिमा और इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जिसमें व्यक्ति बड़े से छोटा रूप धारण कर सकता है, अदृश्य हो सकता है, आकाश में विचरण कर सकता है, और इस प्रकार की जो सिद्धियां होती है, तो ये सिद्धियों भी मैं छोड़ दूंगा अगर मुझे बाबा नंद की गाय चराने का सु अवसर प्राप्त होता है उसके लिए। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं इन आंखों से, मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है, बहुत उत्कट कामना है कि मैं इन अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं, ब्रज भूमि के वन को, वहां के बाग को, वहां के जलाशयों को देखना चाहता हूं। ये मेरे मन की बहुत बड़ी इच्छा है। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, और करोड़ों सोने के महल जो है, कलधोत यानी सोना, स्वर्ण, कनक, तो कोटिक यानी करोड़ों, करोड़ों सोने के महल जो है, धाम यानी महल, तो करोड़ों सोने के महल में करील के कुंजन ऊपर वारो, मुझे जो ब्रजभूमि में करील की कुंजन बने हुए हैं, करील वृक्षों, करील वृक्ष की झाड़ियों, करील जो लताएं हैं उनसे जो कुंज बने हुए हैं, उन कुंजों पर मैं उनमें रहने के लिए करोड़ों सोने के महल छोड़ सकता हूं। मुझे सोने के महल की आवश्यकता नहीं, मैं ब्रजभूमि में यानी कैसी भी जगह मिल जाए मैं ब्रजभूमि में रह लूंगा। मुझे सोने के महलों को भी छोड़ने में कोई समय नहीं लगेगा अगर मुझे ब्रजभूमि में रहने का अवसर मिलता है। अब इसके दूसरे पद्यांश के प्रश्नोत्तर देखिए। कवि तीनों लोगों का राज्य किसके बदले छोड़ने को तैयार है? आप इसमें देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुंपुर को तज डारो, इसका अर्थ आप हिंदी में समझिए, मैंने समझा रखा है, वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके फिर देखिए कि तीनों लोगों का राज्य किसके बदले में कवि छोड़ने को तैयार है। दूसरा प्रश्न है, कवि नंद की गायें चराने के बदले किसको त्यागने को तैयार है? ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र के करीलों पर कवि क्या निछावर करना चाहता है? चौथा है, काव्यांश से रसखान की कैसी भक्ति का पता चलता है, मतलब अनन्य भक्ति है जिसके अनुसार जो स्नेह भक्ति है उसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। अंतिम भक्ति में नहीं तलंकार तथा काव्यांश की भाषा का नाम लिखिए। तो इसमें जो भाषा है ब्रज भाषा में लिखा हुआ पूरा पद्यांश, और अलंकार जो है आप देख सकते हो अंतिम पंक्ति क्या है, कोटि के एक कलधोत के धाम, करोइल के कुंजन ऊपर वारो, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है आप जानते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों पद्यांश समझ में आए होंगे। इनके जो प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ दिए हैं, ये 10 प्रश्न आप लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में, उसको पूरा समझेंगे, इसका शब्दार्थ लिखेंगे।